दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात की जाए इस समय मोहन की, तो मोहन इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहा है। लेकिन मोहन ने यह भी बोल दिया है कि मैं किसी भी तरीका से राधा, तुम्हारे जो कातिल हैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें फंसाया है तो तुम चिंता मत करो, हम उन लोगों की बैंड बजा देंगे। हालांकि दोस्तों, इस समय मस्ती के मूड में भी नजर आ रहा है मोहन और राधा। वहीं पर बात की जाए दामिनी की, तो दामिनी के लिए अब बुरा समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई नजर आ रही है मोहन की माँ दामिनी से कि दामिनी, ये बताओ कि उस कोल्ड स्टोर में तुमने ही बंद की थी ना राधा, तुमने राधा के साथ में ऐसा क्यों किया? राधा से तुम कौन सी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहते थी, कौन सी पर्सनल गर्जिश निकाल रही हो? आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस समय सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं, और टेंशन में आने का एक नहीं बल्कि इस समय कई रीजन भी सामने देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग बेहद ज़्यादा खतरनाक मोमेंट्स में और ख़तरनाक पोस्ट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरीका से अब राधा का साथ देंगे मोहन, और मोहन और मोहन की माँ मिलकर इस समय दामिनी का खेल हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ने जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि सबसे अच्छी जो चाल चलेगी वो इस समय राधा और मोहन के लिए, इस समय मोहन की माँ चलेगी, और मोहन की माँ बोलती नजर आएगी कि इस राधा को सेव करना है तो दामिनी को इस घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दामिनी हमेशा से ही अपनी चाल एक अपने ही अलग लेवल पर चलती हुई नजर आई है। लेकिन उसका निकलना जरूरी है अगर राधा को बचाना है, नहीं तो राधा के ऊपर फिर से अटैक होगा, और ये चीज़ खुद मोहन की माँ बताती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों, क्योंकि मोहन की माँ को पता है कि राधा के ऊपर पहले भी अटैक किया था और फिर से एक बार अटैक करने की फिराक है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर जी, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू।